बशीर एंड आई वेलकमरिंग दियोग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्स फॉर कॉन्सेप्टअलिंग डियर स्टूडेंट्स इस वीडियो में हम गोहर ग्रेस इंग्लिश प्रेप एज फाइव प्लस का पेज नंबर टेन और इलेवन करने वाले हैं और उसमें हम करने वाले हैं कुछ लेटर्स की रिविजन जी तो ये है पेज नंबर टेन और आपको याद होगा कि लेटर पी तक हम ऑलरेडी रिवीजन कर चुके हैं और आज की रिवीजन में हम स्टार्ट करने वाले हैं लेटर क्यू से व्हाट इज द नेम ऑफ दिस लेटर लेटर क्यू दिस इज़ कैपिटल क्यू एंड दिस इज स्मॉल क्यू एंड द साउंड ऑफ दिस लेटर इज ख्वा ख्वा और ये देखें क्यू क्यू क्वीन व्हाट इज़ इट

लाइक रैबिट रैबिट आर रैबेट आर रेबेट और ये देखिए रेबिट बहुत हैप्पी लग रहा है और वो रनिंग कर रहे हैं रेबिट इज रनिंग वेरी फास्ट क्योंकि रेबिट जो है वो बहुत फास्ट होता है वट कम्स आफ्टर आर इट्स एस एंड दिस इज स्मॉल एस द साउंड इज एज द स्नेक हिस् ठीक है एस स्नेल एस स्नेल स्नेल इज अइंड ऑफ इंसेक्ट और ये बहुत ही स्लो क्रॉल करता है और इसकी बॉडी जो है बहुत स्टिकी होती है ठीक है तो स्नेल किस स्टेटस से स्टार्ट हो रहा है एस के साथ व्हाट कम्स आफ्टर एस इट्स थी वट कम्स आफ्टर एस थी सो वट इज द करेक्ट नेम ऑफ दिस लेटर इट्स टी आपने इसको टी नहीं कहना ठीक है दिस इज कैपिटल टी एंड दिस इज स्मॉल टी एंड द साउंड इज वेरी सॉफ्ट ठीक है टी थी इसको आपने क्या बोलना है इट्स इट्साइज थी ठीक है अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे ओके okay, ये है पेज नंबर इलेवन और अब मुझे ये बताएं कि वट कम्स आफ्टर लेटर थी इट्स लेटर यू एंड दिस इज स्मॉल यू एंड द साउंड इज अ ठीक है क्या साउंड है लेटर यू का इट्स अ और ये देखें ये पिक्चर में क्या है इट्स अ काइंड ऑफ वाज लेकिन ये वाज नहीं है इसको बोलते हैं अर्न वट इज द नेम ऑफ दिस थिंग इट्स अर्न और अर्न जो है इट्स अ स्पेशल काइंड ऑफ वॉज जिसमें हम एशिज रखते हैं या इसको जस्ट डेकोरेशन के लिए यूज किया जाता है तो यू अर्न सो वॉट कम्स आफ्टर यू इट्स वी दिस इज कैपिटल वी एंड दिस इज स्मॉल वी और वीकेस्ट साउंड क्या है इट्स व्लैट लिप्स के साथ इसका साउंड निकालना है इट्स ठीक है तो वो से क्या बन रहा है वी वो वैक्यूम क्लीनर वैक्यूम क्लीनर वैक्यूम क्लीनर यकीन आपके घरों में वैक्यूम क्लीनर आपने देखा होगा जो ममा क्लीनिंग के लिए यूज करती हैं स्पेशली उन रूम्स में जहाँ पे कारपेट्स होते हैं तो यहाँ पे वैक्यूम क्लीनर बहुत अच्छी क्लीनिंग करता है सो व्हाट कम्स आफ्टर वी इट्स डब्ल्यू विच लेटर इज इट डब्ल्यू आपने इसको डब्ल्यू नहीं कहना इट्स डब्ल्यू डब्ल्यू दिस इज कैपिटल डब्ल्यू एंड दिस इज स्मॉल डब्ल्यू सो वट इज द साउंड ऑफ डब्ल्यू इट्स वो आपने लिप्स को राउंड करना है क्या करना है राउंड करना है वो वो विंडल्यू वो विंजो जो कि हम सबके रूम्स में होती हैं और ये किस लिए यूज होती हैं वेंटिलेशन के लिए ताकि फ्रेश एयर अंदर आए और सनलाइट आए वट कम्स आफ्टर डब्ल्यू इट्स एक्स दिस इज कैपिटल एक्स एंड दिस इज स्मॉल एक्स तो पिक्चर में आपको क्या नजर आ रहा है इट्स एक्स रे एक्स रे क्योंकि एक्स का साउंड थोड़ा सा ट्रिकी होता है क्योंकि एक्स समटाइम्स का साउंड देता है एज इन जायलोफोन और समटाइम्स ये कस का साउंड देता है जैसे फॉक्स बॉक्स कस समटाइम्स एक्स अपने नेम के साथ आ जाता है जैसे कि एक्स रे एक्स रे एक्स मैक्स थ्री जैसे कि आपने प्रीवियस बुक में पढ़ा था ठीक है ओके okay, स्टूडेंट्स तो अब हम आगे हैं पेज नंबर ट्वेल्व पे अब मुझे यह बताएं कि वर्ट कम्स आफ्टर लेटर एक्स वेरी नाइस वाई ये है कैपिटल वाई और यह है स्मॉल वाई सो इज द साउंड ऑफ वाई हम्मउंड ट यॉट जो है वो बोट से थोड़ी सी बड़ी होती है और शिप से थोड़ी छोटी होती है और ये स्पेशल काइंड ऑफ बोट है ठीक है इसका नेम है यू और व्हाट कम्स आफ्टर वाई इट्स जेड जेड दिस इज कैपिटल जेड एंड दिस इज स्मॉल जेड और इसका साउंड क्या है इसका साउंड है एज द बजिंग साउंड ऑफ बीज ठीक है और पिक्चर में हमें क्या नजर आ रहा है इट्स जीब्रा इट्स जीब्रा जेड जीब्रा ठीक है वाई एंड जेड और जेड भी हमारे जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो खत्म हो जाते हैं अब हम क्या करने वाले हैं इन अल्फ़ाबेट्स को एक बार रिवाइज करेंगे उनके करेक्ट नेम्स के साथ तो ये हैं अल्फाबेट्स ओके द फर्स्ट अल्फाबेट इज ए बी C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W, X, Y एंड Z तो आपने भी इनको एक बार बिल्कुल करेक्ट नेम्स के साथ रिवाइज करना है ओके okay स्टूडेंट्स तो इस वीडियो में हमने लेटर Q से लेटर Z तक सब लेटर्स के करेक्ट नेम्स रिवाइज किए हैं और उनके साउंड्स भी रिवाइज किए हैं और उसके साथ साथ हमने उनसे बनने वाला एक एक वर्ड भी रिवाइज किया है और अब मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इनको एक बार फिर से दोहरा लेंगे और वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा अल्लाह